लखनऊ में कश्मीरियों के साथ इस तरह का सलूक क्यों? आखिर क्यों हर दूसरे दिन ऐसी घटना हो रही है? लखनऊ में सड़क किनारे ड्राई फ्रूट बेच रहे इस कश्मीरी का सामान फिर फेंका गया। अभी तक देखो सर जी, 10 साल से हम माल बेच रहे, इधर कोई नुकसान हुआ? इधर कुछ एक्सीडेंट हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। तो इधर से बोलते हम हटा रहे थे, साइड में लगाते माल। तो आज देखो, आज गालियां हुआ क्या था? पूरा क्या हुआ? पूरा मामला क्या हुआ? आप लोग क्या लगाए थे? हम सुबह से बैठे थे इधर, वीआईपी मूवमेंट था, मंत्री जी आया था, तो हम साइड में लगा रहे थे माल, हमने लगाया नहीं रोड पे। तो अब ये आ गए, इन लोगों ने माल उठा के ले गया ट्रैक्टर में, और हमने इज्जत से बोल दिया वापस करो, हम जाएंगे यहाँ से। तो ये लोग गालियां देने लगे, भागने लगे, तो हम क्या करेंगे बताओ सर जी? हम दूर के रहने वाले, 2000 किलोमीटर दूर से आया, हम क्या कर सकते इधर? ये भी तो सबको माल हक सबको है, सबको हक है। हम रोड पे बैठे हैं, कोई इधर ज्यादा इनके घर के पास नहीं बैठे हैं, घर के अंदर नहीं बैठे हैं, बाहर बैठे रोड पे बैठ रहे हैं भैया। ये भी नहीं समझते यार, बच्चे हैं हमारे, क्या करेंगे? उधर कोई काम ही नहीं है, कोई भी काम नहीं है। अच्छा लगता है हम अगर भीख मांगे तो अच्छा लगता है, अगर भीख मांगेंगे ना तो अच्छा लगेगा। फुटपाथ से शायद फुटपाथ से ही सोचे होंगे हम, हमारे पैसे भी है, भिखारी नहीं है। અમારી તમામ માહિતીથી અપડેટ રહેવા માટે જોડાયેલા રહો SNI ન્યૂઝ સાથે।